हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर, जो एमएसटी सीईटी, भले किसी भी कोर्स के हो, आप लॉ से हो या फार्मेसी देना चाहते हो, इंजीनियरिंग देना चाहते हो, एग्रीकल्चर वाले हो, एमबीए वाले हो, सभी का यही क्वेश्चन था कि जो सीईटी है वो सितंबर में होगी कि अक्टूबर में होगी। तो मैं आज आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं जो ऑफिशियली सीईटी सेल की तरफ से आया है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका पेपर जो है वो सितंबर में होगा कि अक्टूबर में होगा। तो मैं आपको पहले कुछ चीजें दिखा देता हूं, लेकिन सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इस पे डिस्कस करते हैं कि एमएसटी सीईटी जो है वो सितंबर में होगी कि अक्टूबर में, सभी कोर्सेज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपको पता होगा, आप लोगों को एक टेंटेटिव डेट्स दिए गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे आया कि एमएसटी सीईटी जो है वो पोस्टपोन होने लगा। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे अगर आप देखते हो करियर 360 ने अभी अभी रिसेंटली, अगर आप देखोगे आज के दिन कुछ घंटे पहले, इन्होंने एक अपडेट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर 2, 2021, 6:20, ठीक है, अभी शाम को इन्होंने एक अपडेट दिया और इस अपडेट से एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो गई कि आपका पेपर कब होने वाला है। So, अगर आप यहाँ पे देखते हो, उन्होंने सबसे पहला जो अपडेट दिया था वो दिया था महाराष्ट्र सीटी 2021 फॉर एमएमएस एमबीए एडमिशन, विल द एग्जाम बी हेल्ड ऑन दिस डेट, चेक द शेड्यूल हियर, ठीक है, उन्होंने इस तरीके से बताया था। लेकिन वो एमबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे, लेकिन इसमें आपको सभी कोर्सेज के बारे में मालूम पड़ जाएगा, भले आप इंजीनियरिंग से हो, आप लॉ वाले हो, आप एग्रीकल्चर हो, फार्मेसी हो, एमबीए, सबको एक अपडेट मिलेगा। अब यहाँ पे वो अपडेट क्या है कि करियर 360 ने कॉन्टेक्ट किया ऑफिशियली जो सीईटी सेल को एंड उनको एक अपडेट मिला। देखिए यहाँ पे उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से मेंशन किया है, उन्होंने बोला दी महा सीईटी 2021 एग्जाम डेट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एग्जाम वाया ईमेल एंड एसएमएस, सेड द एग्जाम ऑफिशियल व्हेन कॉन्टैक्ट बाय द करियर 360। जब करियर 360 ने कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बोला कि जो महा सीईटी, मतलब जो खासकर एमबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीईटी होती है, उसके जो डेट्स है वो सभी चीज आपको अगले हफ्ते तक ऑफिशियली आएंगे। अब इससे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो एमबीए के जो डेट्स थे, जो टेंटेटिव डेट्स थे एग्जाम के, वो सितंबर 26 था स्टूडेंट्स, सितंबर 26, मतलब 26 को पेपर होगा कि नहीं होगा इसका भी डिसीजन जो है वो अगले हफ्ते तक आएगा ऑफिशियली। तो आप समझ सकते हो कि जिन लोगों को, जो भी कोर्सेज के लिए जो एग्जाम थे इस डेट के पहले, डेफिनेटली वो भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जब 26 तक का ही डिसीजन नहीं हुआ तो उसके पहले वाले का डिसीजन कैसे होगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपका एग्जाम रहेगा वो 26 के भी बाद में, मतलब वो लगभग अक्टूबर के आसपास जा रहा है, लास्ट वीक ऑफ सितंबर या ज्यादा, बहुत ज्यादा चांसेस है अक्टूबर, भले आप किसी भी फील्ड से हो। तो स्टूडेंट्स, इस बात को आप समझ के रखिए कि ऑफिशियली उन्होंने बोला है कि जो MAH महा सीईटी 2021 जो उन्होंने बोला, उसका अपडेट वो नेक्स्ट वीक तक देंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो चीज 26 को डिसाइड थी उसके लिए भी अगले हफ्ते तक आएगा। तो आप समझिए कि 26 तक तो पेपर पॉसिबल ही नहीं है, भले आप किसी भी कोर्सेज के हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनको लगता था कि हम LLB देना चाहते हैं, MBA देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर वाले, फार्मेसी वाले, इंजीनियरिंग वाले और बाकी सभी, तो सबको ऐसा लगता था कि हमारा सीईटी का डेट क्या रहेगा। तो अब आपको एक आइडिया लग गया इससे कि 26 वाला ही प्लान नहीं हुआ तो उसके पहले वाले तो डेफिनेटली प्लान नहीं होंगे। तो आपके जो पेपर रहेंगे वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर या बहुत हाई चांसेस है कि वो अक्टूबर में हो सकते। कई लोगों के मन में आ रहा है कि खासकर जो इंजीनियरिंग देने वाले, कि अक्टूबर में जेई एडवांस के साथ वो क्लैश हो सकता है, लेकिन उस डेट पे वो नहीं रखेंगे, उसको वो एडजस्ट करते हैं। क्योंकि पहला प्रेफरेंस अगर आप कभी भी देखोगे किसी भी स्टेट में, वो सेंट्रल एग्जाम को दिया जाता है, उसके बाद उसके हिसाब से स्टेट के एग्जाम्स रखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड मुझे पता है आपको ये वीडियो पसंद आया, आप लाइक तो करेंगे एंड प्लीज इसको आप शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।